हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैबुलस EDUSSC के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम अपने मैथ का ये जो नंबर सिस्टम की छठी क्लास में हैं और हम लोग अपना रिमाइंडर देख रहे थे, है ना। आज रिमाइंडर पे मोस्टली ये मेनली आखिरी क्लास होगी और हम इस पे अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, उन सवालों को समझेंगे कि कहाँ पे दिक्कत होती है, कैसे सॉल्व होता है। आप इनफैक्ट इसको कर लोगे तो आपको SSC लेवल क्या, IBPS क्या, आप कैट लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो। इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब हमने कल लास्ट क्लास में ये सीखा था, कल की क्लास में ये समझा था कि सर कोई भी नंबर हो, मतलब मगर कोई भी नंबर हो, मान लो, ठीक है, मतलब नीचे नंबर कोई 5 हो और ऊपर कुछ भी नंबर दे रखा हो आपने, 7,800 और इसकी पावर कुछ भी कर रखी हो, तो हमें मालूम है कि ये नंबर की एक साइकिल होती है, साइक्लिसिटी होती है। और वो क्या, अगर प्राइम नंबर है आपका तो उसमें से एक बस कम कर देना है, है ना। साइक्लिसिटी का क्या मतलब, सर हमें ये पता है कि ये नंबर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ, मतलब कुछ भी नहीं हो, हमने ये भी देखा था कि ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम कह लो दोस्तों, को प्राइम तो नहीं। तो ये हमने समझा था कि इसकी एक साइक्लिसिटी होगी, मतलब एक नंबर के बाद इसका जो रिमाइंडर है ना, +1 +1 आता रहता है एक पावर के बाद। मुझे लगता है बेहतर रहेगा हम सवालों से चीज़ों को समझें तो करें, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए ये कि 3 की पावर है आपकी 48 और आपको इसमें बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा जब ये डिवाइड होगा, ठीक है, ये समझना है। तो क्या करोगे, हमें देखना पड़ेगा, हमें पता है कि सर 5 क्या ना, 5 एक प्राइम नंबर है ना, तो 5 की साइक्लिसिटी क्या होगी, साइक्लिसिटी क्या होगी, मतलब साइक्लिसिटी मतलब एक पावर पे ये डिवाइड करता चला जाता है, आपका रिमाइंडर एक आता रहता है। तो साइक्लिसिटी हमें मालूम है एक प्राइम नंबर की होती है 5 - 1, मतलब 5 - 1 मतलब ये 5 है, तो इसकी साइक्लिसिटी होगी 4, मतलब इस 3 के पावर 4 में जितना भी आता जाएगा उसका रिमाइंडर एक होता जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 4 अलग कर दो, 3 की पावर 4 अलग कर दो, इंटू में 3 की पावर 4 अलग कर दो, 3 की पावर 4 अलग कर दो, ऐसा कब तक चलते जाएंगे दोस्तों, जब तक 48 पावर ना बन जाए, 4 4 8 ये 16, मतलब आपको 3 की पावर 4 48 बार करना पड़ेगा, सॉरी 12 बार करना पड़ेगा और इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में और 5 से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे ये पता है कि सर 4 की पावर जितनी भी होंगी, जितनी भी 4 पावर होंगी उन सबका रिमाइंडर +1 बचेगा, मतलब उससे कुछ मतलब नहीं, मतलब यहां पे रिमाइंडर अगर 5 से डिवाइड होता है, ये अगर मेरा ये 5 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर बचेगा +1, यहां पे भी +1 और ये सब मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, +1 +1 +1 +1 +1, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, मेरा +1 है ना, एक रिमाइंडर बनेगा। तो मुझे क्या है, ये पता है कि सर पावर कितनी भी हो, ये अगर को प्राइम है 3 और 5 एक दूसरे के लिए प्राइम है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमें करना क्या है, देखो हमें बार बार इतने में तोड़ के तो देखेंगे नहीं, हम लोग बेटर वे क्या रहेगा, हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं एक बार चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सर 3 की पावर 48 / 5 है ना, आप इसका रिमाइंडर पूछ रहे हो। अब मुझे ये पता है साइक्लिसिटी इसकी, मतलब कितनी बार घूम के आता है, तो 4 बार, साइक्लिसिटी 4 है, तो एक बार मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ कि कितने बार में खत्म हो जाता है 48 की पावर 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे रिमाइंडर आता है आपके 0, मतलब का ये पूरा का पूरा कट जाता है, कट जाता है, कट जाने का मतलब 3 की पावर जितनी भी है सब 4-4 के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। अगर सबको मैं 4-4 के फॉर्म में लिख सकता हूं तो मेरा रिमाइंडर आएगा यहां पे +1, क्योंकि सबके सब 4 के फॉर्म में है, सब मल्टीप्लाई में है, तो 1 1 1 1 बनता चला जाएगा, है ना, मेरा रिमाइंडर आएगा इसका +1। अगर मेरा कुछ और रिमाइंडर यहां बचता तो उसके हिसाब से चीजों को मैं देख सकता था। जैसे एक और क्वेश्चन लेके समझाता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मैंने इस बार क्या किया, 143 को डिवाइड कर रहा हूं आपके 5 से और इस पूरे की पावर रखी है मैंने 48, ठीक है, पूरे की पावर रखी है मैंने 48। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, चेक क्या करूंगा, सर ये साइक्लिसिटी इसकी 4 होती है, 4 है इसकी साइक्लिसिटी,
है ना, प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता, दूसरे नंबर का निकालना भी आता है हमें, कल ही क्लास में सीखा था। तो 48 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा ये पूरा का पूरा 12 बचता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब 12 की साइकिल में मतलब 4-4 की पावर यह 48 में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर डायरेक्टली प्लस 1 लिख दो, क्यों, जितनी पावर है सब 12 में खत्म हो जा रही है, मतलब हर 4 के बाद प्लस 1 आता तो ये सिर्फ 4 का मल्टीपल है, तो हर 4 के बाद प्लस 1 आता तो रिमाइंडर यहाँ पे प्लस 1 बन जाना था। अब मैं क्वेश्चन बदलता हूँ जो 4 से डिवाइड ना हो। मान लो क्वेश्चन होता आपका 143 अपॉन में 5 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 42 से, है ना, तो 42 को मैं जानता हूँ साइक्लिसिटी 4 है तो 4 से डिवाइड करके देखता, 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 10 बार में तो पूरा कट गया और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बचेगा, है ना, आपका ये यहाँ पे इसका रिमाइंडर मतलब इस डिवीजन का रिमाइंडर ये बचेगा, है ना, रिमाइंडर मेरा ये बचेगा। इसका मतलब सर 10 बार तो कट गया, इसका मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये जो 2 बच गया है इसको चेक करना है, मतलब असली में रिमाइंडर किसका निकालना है 14, इसका फर्क क्यों नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि प्लस 1 आएगा और सब मल्टीप्लाई में है तो प्लस 1 मल्टीप्लाई होते 1 ही रहता है। मुझे चेक करना है 143 की पावर 2 जो कि मेरा बच गया है डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा 5। अब क्या करोगे, अब देखो, अब हमने कल सीखा था कि सर ये कुछ नहीं है, 140 प्लस 3 है, है ना, मतलब आप इसको ये लिख सकते हो सर 143 इंटू में 143 और 5 से, तो यहां पे मेरा रिमाइंडर आएगा प्लस 3 और यहां पे रिमाइंडर आएगा मेरा प्लस 3 और 3 मल्टीप्लाई होके बना मेरा 9 और 9 5 से डिवाइड होगा तो मेरा रिमाइंडर 4 आ गया, हो गया। चलो क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार वीडियो को पॉज कर ले, इसको समझ ले, बैक में जाके फिर से समझ सकता है। चलो अब अगला लेता हूं, ऐसे ही मैं अगर 35 की पावर 41 कर दूं और इसको डिवाइड करूं मैं आपका 15 से, है ना, तो अब मुझे 15 की साइक्लिसिटी निकालनी होगी, 15 की साइक्लिसिटी निकालनी होगी, तो 15 की साइक्लिसिटी निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था कि कुछ नहीं करना, 15 के देखने फैक्टर्स कौन कौन है, 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स, तो यहां पे 15 की साइक्लिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, याद है क्लास का फॉर्मूला, उस नंबर को लिखेंगे 15 और उसका 1-1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1-1/5, ठीक है, तो ये क्या साइक्लिसिटी आई, 15 इंटू में 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 और ये कट कुटा के दोस्तों आपका कट कुटा के मेरा साइक्लिसिटी आई 8, मतलब 8 की जितनी पावर होगी उस पर ये कट जाएगा, तो 8 की जितनी पावर होगी तो मैं अब क्या करता हूँ, साइक्लिसिटी आई 8, तो मतलब मैं 41 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 5 बार में तो कट गया प्लस मेरा एक यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, एक मेरा रिमाइंडर बच गया, तो मुझे ये जो 5 बार में कट गया उसकी जरूरत परवाह नहीं है, मुझे एक को देखना है, एक को देखना है का मतलब कहानी यह है सर, मुझे रिमाइंडर देखना है 35 की पावर 1 अपॉन में 15, है ना, तो 15, अब यहां पावर 1 का मतलब 30, तो आपका 30 कट गया तो रिमाइंडर बचा आपका दोस्तों 5, ये है आपका रिमाइंडर इसका, समझ गए, तो चीजें आसान है ना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन ऐसे ही लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या लिखूं, मान लो 2 की पावर 100 है और नीचे 101 है, 2 की पावर 100 है और नीचे 101 है, तो मुझे ये पता है कि सर 101 है, तो 101 क्या है मेरा, 101 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का वो क्या होता है, साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का मतलब कितने बार वो 1 ही रिपीट करता है, उसे मतलब नहीं पड़ता, साइक्लिसिटी सर 101 में से एक कर दो तो मेरा हो गया 100 साइक्लिसिटी, अरे वाह, मतलब 100 की पावर के बाद इसमें जो होता है रिमाइंडर रिपीट 1 आता है ना, तो यहां पे तो पावर इसकी 200 की 100 ही है, इसका मतलब सीधे सीधे लिख दो सर, पावर 200 ही है, 100 के बाद वो रिमाइंडर 1 देता है तो रिमाइंडर सीधे 1 आ गया, काम ही खत्म, ठीक है। अब देखो, अगर यही आपकी 200 की पावर 105 अपॉन में 101 होती
तो फिर से ये है मेरा एक प्राइम, और प्राइम की सिंपल सी साइक्लिसिटी ऊपर देखा हमने, इसकी साइक्लिसिटी है 100। मतलब आपको 105 जो दे रखा है उसको 100 से डिवाइड किया तो ये तो एक बार में पूरा कट गया और रिमाइंडर यहाँ पे 5 बच गया। 5 बच गया तो सर मुझे ना 2 की पावर 5 करके देखना है, 2 की पावर 5 करके देखना है। तो देख लो यहाँ पे असली में रिमाइंडर किसका निकालना है, 2 की पावर 5 अपॉन में आपका 101। और ठीक है, 2 की पावर 5 और आप में 101। तो 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 5 हुआ आपका 32, और उसको डिवाइड किया आपने 101 से, और ये 10 से तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया 32। हो गया ना सॉल्व। इतना ही आसान है, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझिए तो बहुत ही आसान है। बस समझना यह है कि नंबर क्या है साइक्लिसिटी, अगर प्राइम नंबर तो साइक्लिसिटी डायरेक्ट मिल जाती है। अच्छा समझना यह कि ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, जो कि है भी यहाँ पे, है ना, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। अब इसको अब एक और चीज समझना जरूरी है। यहाँ पे एक मैं बताता हूँ आपको फर्मेट्स थ्योरम, है ना, ये जो मैंने आपको बताया, अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये असली में है क्या। इसी थ्योरम को बोलता जाता है फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम है दोस्तों, कि अगर आपका कोई नंबर है ए और उसकी पावर है पी माइनस वन और डिवाइडेड बाय पी, तो यहां पे रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा प्लस वन आएगा, मतलब इसका फर्क नहीं पड़ता रिमाइंडर वो। लेकिन कंडीशन क्या होती है, ए एंड पी शुड बी रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, जो मैंने आपको अभी बता भी चुका था कि आपस में ये प्राइम होने चाहिए, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम, और आपका पी शुड बी प्राइम, पी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। तो देखो ये फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम ना, जो हमने समझा साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है ये, हमने अभी समझा था ना, हमने देखा नहीं था कि सर अगर कोई पी प्राइम नंबर है तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी होती है उसकी पी माइनस वन। तो देखो पावर कितनी है, पी माइनस वन है, तो पी माइनस वन की पावर है तो रिमाइंडर प्लस वन, ये तो हमने सीख ही रखा था, इसमें क्या नई चीज कर रखी थी, है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता है दोस्तों, ऐसे ही समझाने के फॉर्म में लिखते हैं कि अगर आपको दे दिया 3 की पावर 86 और इसको डिवाइड करना है आपको 29 से, तो आपको क्या पता है ना, यहाँ पर रिमाइंडर निकालो, तो हमें ये पता है सर ये है एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो मतलब साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 28, एक कम 28 का मतलब क्या है सर, जो 28 की पावर आप हटा दो वो प्लस वन देता रहता है उससे हमें मतलब नहीं है, जो 28 से नहीं कटता उसकी काम करो। तो कितनी पावर है यहाँ पे, यहाँ पावर है 86, उसको 28 से डिवाइड किया तो कितनी पावर हट जाएगी दोस्तों, 84 तो हट जाएगी, यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, मतलब सर ये जो दो पावर है ना, इसी दो पावर को चेक करना है। तो ठीक है इसी दो पावर को चेक कर लेते, इसका मतलब क्या है कि मेरा 3 की पावर जो 2 है, इसी को रख दो यहाँ पर, 3 की पावर जो 2 है इसी को रख दो यहाँ पर, और इसको रखा हमने यहाँ पर, तो ये 2 अपॉन में आपका 29 से चेक करना है, तो ये हो गया 9 अपॉन में 29, तो रिमाइंडर मेरा हो गया 9, ठीक है 9 हो गया मेरा रिमाइंडर। चलो अगला चीज देखते हैं, अगला क्या है, अगला सॉरी दोस्तों आपको बताना पड़ रहा है, अगले चीज को समझाने से पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, चीजों को समझो। अगर आपको कोई बोले कि नंबर है 2 और 2 की पावर 2, है ना, और 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है आपका 2 की पावर 3 का मतलब ये है 2 की पावर 8। लेकिन अगर कोई आपके बोले 2 की पावर 2 की पावर है 3, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर है आपको 2 × 3, है ना, अंतर समझ रहे हो, है ना, इसका मतलब 2 की पावर है 6। पावर समझो, पावर के ऊपर पावर या ब्रैकेट के ऊपर पावर,
ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझाते हुए मैं नंबर लेता हूं। मान लो एक्स की पावर है आपकी 2 और उसकी पावर है 3, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है हमारा एक्स की पावर है आपकी 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 9। अगर यही मेरे को बोल दे एक्स की पावर 2 और इसकी पावर है 3, इसका मतलब होता है दोस्तों एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू में 3, इसका मतलब एक्स की पावर है मेरा 6। ठीक है, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना। अगर मैं लिख दूं पी की पावर 3 का स्क्वायर, तो इसको लिखोगे पी की पावर है 9, है ना। और अगर मैं लिख दूं कि पी की पावर है 3 और उसकी पावर पूरे की पावर है 2, तो इसका मतलब होता है पी की पावर 6। चलो ये कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अब जो मुश्किल सवाल इसमें बन सकते हैं उनको देखते हैं, एक एक करके आराम से बिल्कुल समझते जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पहला ही क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 23 की पावर है आपकी 37 और उसकी पावर है आपकी 38 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 7 से। अभी बताना है यहां पे रिमाइंडर, अभी बताना है यहां पर रिमाइंडर बताना है, ठीक है, समझते हैं। यहां समझने के लिए क्या है, हमें देखना है कि सर 7 एक प्राइम नंबर है, इसकी साइक्लिसिटी कितने से घूमती है, मतलब कितने से रिमाइंडर 1 लेके आता है, ये 6 माइनस 7 माइनस 1 6 से, ठीक है, 6 से लेके आता है। इसका मतलब इसकी जो पावर है मुझे वो चेक करना पड़ेगा, 37 की पावर 38 वो 6 से डिवाइड होता है तो कितना देता है, क्योंकि अगर जो 6 से कट जाता है उसका नहीं, जो बच जाता है वही पावर मेरे काम की होती है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो दोस्तों ये सवाल बदल रहा है कि 37 की पावर 38 अगर 6 से कट जाए तो ये कितना शेष छोड़ता है कि मेरा काम बन जाए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं आपका 36 जो है ना, तो 36 की पावर 37 की पावर 38, अब 6 37 को कहां पे काटता है दोस्तों, एक 37 की पावर 38 का मतलब आपका रिमाइंडर इसमें 37 से जाएगा तो 36 चला जाएगा, 1 की पावर 38 बचा और वो आएगा 6, इसका मतलब 1 यहां पे बच जाएगा, 1 बच जाएगा दोस्तों, मतलब मुझे यहां पे चेक करना है 1 ही पावर 23 की पावर 27 को ही चेक करना, 23 की पावर 1 को ही चलना है, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर जो आएगा वही रिमाइंडर होगा जो 23 की पावर 1/7 होगा और यहां पे मेरा 2 रिमाइंडर आ गया, मेरा 2 रिमाइंडर यहीं पे आ गया। अगला क्वेश्चन इसी फॉर्म में, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, 32 की पावर 32 और इसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, फिर क्या करेंगे, हमें मालूम है साइक्लिसिटी 7 की होती है आपकी 6, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 32 उसकी पावर जो है ना, 32 की पावर 32, दोस्तों जिनको कंफ्यूजन है बता रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को मैं लिया था देखने के लिए, तो 32 की पावर 32 उसको 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, तो आपका क्या है, हमें मालूम है 36 कट जाता है या फिर 30 कट जाता है, 36 से कट जाता है, बच कितना जाएगा दोस्तों आपको 2 बच जाएगा, 2 की पावर 32 ही देखना है हमें, 6 तो कट जाएगा, हमने कल की क्लास में अच्छे से देखा था। अब 6 के पास लेके आना है तो ऐसा करो, 8 पे भी नहीं जाएगा, ऐसा करते हैं, काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर हमने कॉमन लिया यहाँ से और 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा मेरा यहाँ पे, यहाँ बच गया मेरा नीचे 3 और यहाँ बच गया 2 की पावर 31, अब थोड़ा कटता हुआ दिख रहा है, अब मैं इसको काट देता हूँ, तो याद रखा ना दोस्तों हमने 2 से एक बार कट मारा है तो हमें जब रिजल्ट आएगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या फ्रैक्शन चाहिए सर, 2 की पावर 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आता है -1 और -1 की पावर 31, इसका मतलब -1 और -1 मैंने किया है, -1 नाम की रिमाइंडर कुछ नहीं होता, इसको क्या करूंगा मैं आपके, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया रिमाइंडर -2 और -2 कुछ नहीं होता, -2 रिमाइंडर होता नहीं है, मुझे 6 में इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 6 -2
कितना हो गया दोस्तों, ये मेरा रिमाइंडर आ गया 4। मतलब सर हमें कुछ चेक नहीं करना, ये कितनी पावर दिखा के रखी है। जो 4 बचा है ना, खेल सारा 4 का है, सारा खेल 4 का है। इसका मतलब मुझे चेक करना है 32 की पावर अगर 4 है और उसकी पावर 7 है ना उसको, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है। अब देखो दोस्तों, तुम समझ पाओ तो 35 कट जाता है, तो मतलब कितना बच गया मेरा -3 रिमाइंडर एक केस में बचेगा, और उसकी पावर है मेरी 4, और ये हो गया आपका 7 से डिवाइड। इसका मतलब 81 हो गया मेरा 7 से डिवाइड, इसका मतलब 81 मेरा 7 से डिवाइड हो गया तो 77 चला गया, तो आंसर यहीं पर लिख देता हूँ, आंसर 77 चला गया, तो रिमाइंडर मेरा 4 रिमाइंडर बच गया, है ना। समझ नहीं पा रहे हो तो एक बार बैक करके फिर से सीख लो, खुद सीख जाओगे, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, है ना, जब तक सीखोगे तब तक क्वेश्चन करवाते रहूँगा, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये है 34 की पावर 35 की पावर 36, और इसको आप 9 से डिवाइड कर रहे हो। लो करो डिवाइड, है ना, करो डिवाइड। तो देखो घबराना मत, घबराने वाली कोई बात है नहीं। क्या करेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, 9 की साइक्लिसिटी, 9 की साइक्लिसिटी कितने पे घूम के 1 दे देता है, जिसे हमें मतलब नहीं है, बाकी जो बच जाता है उससे मतलब है। 9 दोस्तों एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 बनता है आपका 3 × 3 से, मतलब इसके प्राइम फैक्टर कौन से हैं, सिर्फ एक 3 है। तो मुझे इसकी साइक्लिसिटी निकालनी हो तो करना पड़ेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 − 1/3, और ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसका मतलब दोस्तों इसकी साइक्लिसिटी है 6, तो मेरी साइक्लिसिटी आ गई। मतलब सर 36, 6 की पावर तो सब निकाल दो, जो पावर उसके बाद बच जाएगी सारा खेल उसी पे रिमाइंडर का होगा। चलो तो 6 की पावर निकालते हैं, मतलब हमें देखना है कि 35 की पावर जो 36 है उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरा कितना बचता है। अच्छा, 6 से 35 अगर मेरा दोस्तों जाएगा तो मुझे मालूम है सर यहां पे ना इसमें -1 रिमाइंडर बचता है, मतलब 36 कट जाता है और मेरा -1 बच जाता है, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर दोस्तों 36 और ये 6 से, ये बन गया मेरा 1। मतलब मेरा 1 यहां पे रिमाइंडर आ गया किसका, इसका। इसका मतलब सर हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस देखना है कि ये जो पावर है, तो 35-36 कहने की बात है, 1 पे पावर चेक करना है, तो 34 की पावर 1 और इसको 9 से चेक करना है। अब हमें मालूम है सर 34 जो है ना 7 जा चला जाता है 27, यहाँ रिमाइंडर सीधे सीधे आपका आ गया 7 रिमाइंडर। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर देखो कितनी आसानी से मिल गया, 7 है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब लेते हैं एक बेहतरीन सवाल, ऐसा सवाल जो आप लोगों को समझाए, क्लियर करे बातों को, इस तरह का सवाल लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी रिपीटेड है, कई बार आ चुका है, दोस्त पूछते हैं, लोग पूछते रहते हैं, 2 2 2 2 और इसकी पावर है 5 5 5 5, घबरा तो नहीं रहे हो ना, प्लस 5 5 5 5 इसकी पावर है 2 2 2 2 और इसको आपको करना है 7 से डिवाइड, और आपको यहां बताना है रिमाइंडर। घबरा तो नहीं रहे हो ना, अरे घबराना नहीं यार, आसान चीजें होती हैं सब, बौखला के करवाने वाला काम है। क्या पकड़ोगे सर, हमें पता है साइक्लिसिटी, छोड़ो पहले इसको दो चीजों में तोड़ो, क्या सर ये है 2 2 2 2 और इसकी पावर है 5 5 5 5 और मुझे यहां पे निकालना है 7 रिमाइंडर। ठीक है, प्लस आपका क्या है 5 5 5 5 और इसकी पावर है 2 2 2 2 और मुझे यहां पे निकालना है रिमाइंडर। ठीक है, चलो निकालना है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये देख लेता हूं पहले सर 7 से ही जाता है तो कितना रिमाइंडर बचता है। तो ऐसा करो 2 2 2 2 को एक बार 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 पहले पावर वाला खेलोगे क्या, पहले ये वाला खेल लेते हैं फिर वो खेलेंगे साइक्लिसिटी वाली कहानी, पहले यहां निकाल लेते हैं। तो 7 3 = 21 1 2 7 1 = 7 5 और 2 5 और 2 7 7 = 49, मतलब सर रिमाइंडर 3 बचता है यहां पर, तो
मतलब इसका रिमाइंडर आएगा आपका प्लस 3। अब 5-5 वाला भी देख लेते हैं, 5-5-5-5 अगर 7 से मेरा जा रहा है यहाँ क्या बनता है, तो 7-7 जा 49, 6 और 5, 7-9 जा 63, 2 और 5, और 7-3 जा 21, मेरा बचा है यहाँ पे 4 रिमाइंडर, है ना, मतलब सर 4 बच रहा है। इसका मतलब ये जो चैप्टर 5 है ये जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर हमें निकालना है 3 की पावर 5, 5, 5, 5, अगर ये 7 से डिवाइड होगा ये रिमाइंडर क्या बचेगा, और आपका 4 की पावर 2, 2, 2, 2, और अगर ये 7 से जाएगा तो क्या होगा। अब लगाते हैं हम अपना वही साइक्लिसिटी वाला, 7 की साइक्लिसिटी क्या है दोस्तों, 7 की साइक्लिसिटी मतलब कितने पे घूम के वापस 1 ले आएगा, 6 होगी, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे इस 6 से 2 5 को डिवाइड करो है ना, इस 5 को डिवाइड करो 6 से, तो अगर आप 5 मतलब ये देखो करके अलग से दिखाता हूँ मैं, इसका कलर चेंज करता हूँ, है ना, मतलब 5, 5, 5, 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मेरा 9 जा 54, 1 और 5, 2 जा आपका 12, 3 और 5, अरे वाह, तो 5 जा आपका 30, मतलब सर यहाँ पे 5 का खेल है, बाकी सब तो कट जाता है, और एक बार मैं क्या करता हूँ 2-2 को भी ले लेता हूँ, 2-2-2-2 अगर 6 से किया तो 3 जा आपका 18, 4 और 2, 7 जा 42, कट गया यार ये तो 2 बच गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, मतलब सर सारा खेल ना आपका यहाँ पे इसी 5 और इसी 2 का है, इसी 5 और इसी 2 का, मतलब हमें रिमाइंडर किसका देखना है सर 3 की पावर 5 अपॉन में 7, और यहाँ देखना है 4 की पावर 2 अपॉन में 7, ठीक है, कलर वापस ब्लैक कर लूँ, 3 की पावर 5 7, और 3 की पावर 5 क्या होता है दोस्तों निकाल लेना आपका 243 होता है, आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, और यहाँ पे रिमाइंडर देख रहे हो 16 का आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा दोस्तों, अब इसको दोनों को जोड़ दो, दोनों को ही जोड़ दो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो कि ये आ गया सर 243 और ये आ गया मेरा प्लस है बीच में, ये आ गया मेरा 16 और ये 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 243 और 16 दोस्तों 259, और ये आपका 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड कर दो, 7-3 जा, अरे वाह ये तो पूरा का पूरा कट गया, पूरा कट गया तो रिमाइंडर हो गया आपका 0, कितना अच्छा सवाल है, कितना वैसा लग रहा था, और निकला क्या कुछ नहीं, तो वही दोस्तों दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, डरने की जरूरत नहीं है बस, है ना, चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन तुम लोग करो, 31 की पावर है 13 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से, इतना आसान है सर, साइक्लिसिटी है 6, तो मैं क्या करूँगा 13 को 6 से डिवाइड करूँगा तो सर मुझे पता लगता है कि एक रिमाइंडर बचता है, एक रिमाइंडर बचता है, मतलब सारा खेल इसी एक का है, तो 31 की पावर 1 रखूँगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा, 31 के 1 को 4 प्लस 3 आपका रिमाइंडर, अरे वाह अब तेज हो गए हो गए, ठीक है ऐसे करो 31 की पावर अब मैं कर रहा हूँ 14 और उसकी पावर 13 और इसको करना है 7 से डिवाइड, तो क्या करोगे सर साइक्लिसिटी देखनी है, उसकी जो पावर 13 है उसको मैं 6 से डिवाइड करके देखूंगा, है ना, साइक्लिसिटी होती है 6, साइक्लिसिटी होती है 6, तो ये सर मेरा 2 से 12 कट जाता है, 2 बच जाएगा, है ना, 2 बच जाएगा और ये कटेगा 6, अच्छा 2 बच गया तो फिर से क्या करेंगे सर, 1-2 तो बाहर निकाल दो आप, है ना, नीचे काटा पिटी मचाएंगे थोड़ा, उसमें मजा आएगा, अपॉन में 2 और यहाँ पे 3, याद रखना हमने 2 से कट मारा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिखाया है मैंने, और ये 2 की पावर 3 यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, ये मेरा -1 की पावर 12 3, है ना, इसमें क्या -1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा 1/3, मतलब आपका 1 रिमाइंडर बचा, लेकिन तुमने 2 से कट मारा है तो इंटू में 2 कर दो, मतलब यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब सर सारा खेल ही 2 का है, ये फालतू का दिखाने का है, तो अब कर दो 31 की पावर 2 और इसको कर दिया 7 से डिवाइड, ठीक है 31 करो 28 कटेगा तो 3 की पावर 2, इसको कर दो 7 से डिवाइड, 3 की पावर 2 का मतलब सर 9 का मतलब 7 से डिवाइड हुआ, 2 रिमाइंडर, अरे वाह इसे कहते हैं मौजा ही मौजा
मौजा ही मौजा। और बेहतरीन सवाल, ऐसे इतने सवाल करो कि एकदम से सीख जाओ, है ना, खूब प्रैक्टिस हो जाए। 61 की पावर 62 और उसकी पावर है आपकी 64 और इसको डिवाइड करो 7 से, तो फिर वही साइक्लिसिटी की कहानी। सर सीधे सीधे चेक कर लो, बहुत हो गया आपका, बहुत मजाक भी कर लिया आपने, सीधे सीधे चेक कर लो, इसको हटाओ पहले तो। 62 की पावर 64 उसको 6 से डिवाइड करके देखना है, इसका मतलब सर 2 की पावर है 64 इसको 6 से डिवाइड करके देखना है, फिर आप 2 का काटा पीछे मचाओगे, तो 2 से यहाँ निकालो, 2 से यहाँ निकालो, इंटू में 3 करो, इंटू में 2 की पावर 63 करो। अब क्या करोगे सर, 2 से काटा मिट्टी पर जाओगे, तो 2 हमें याद रखना है कि 2 से मल्टीप्लाई होना है। अब क्या करना है सर, ये कुछ नहीं, ये 3 है, ये 2 है, इसका मतलब -1 की पावर 63 रिमाइंडर बचेगा अपॉन में 3, इसका मतलब सर रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया, 1 नहीं आया मूर्खो, -1 आया, -1 की पावर 63 है ना, -1 रिमाइंडर आया, -1 रिमाइंडर कुछ मतलब नहीं होता सर, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको तो बना -2, -2 रिमाइंडर भी कुछ नहीं होता सर, तो इसमें क्या है प्लस कर देंगे 6, तो -2 प्लस 6 मतलब सर बचा हमारा 4। अरे वाह, 4 बच गया, तो कितनी पावर रखोगे, हमें रखना है सर कुछ नहीं, सब खेल खिलाफ है, छलावा है, छलावे को ख़त्म करो, पावर रखो आप 61 की पावर 4 और इसको कर दो 7 से डिवाइड। अच्छा इसमें भी क्या करोगे, 7 से डिवाइड हुआ तो 63 कटता है, 63 कट जाता है, तो -2 की पावर रख दो 4 और उसको कर दो 7 से डिवाइड, -2 की पावर 4 होता है सर 16 और इसको कर दो 7 से डिवाइड, तो इसका मतलब 2 रिमाइंडर यहाँ बच गया, हो गया। अब चलो अब अगला क्वेश्चन, कितना फटाफट कर रहे हो ना, कितने समझदार हो गए हो तुम सब, है ना। अच्छा ये यहाँ से यहाँ गया हुआ है ना, ये पकड़ना पहले, फिर वहाँ से स्टेप चला हुआ है, लो करो 5 की पावर 61 की पावर 62 और ये हो गया 13 से डिवाइड, 13 का मतलब सर साइक्लिसिटी हो गई इसकी 12, मतलब मुझे 12 से डिवाइड करके देखना है 61 की पावर 62 को, 12 से डिवाइड करके देखा तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बचा सर 5, 1 की पावर 62, 12 मतलब 1, मतलब कुछ नहीं, मुझे 1 का चेक करना है, मतलब सर 5 की पावर 1 है और 13 से डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, तो रिमाइंडर आ गया 5, है ना, 5 रिमाइंडर। कितने समझदार हो गए यार तुम लोग, तुम्हारी इसी समझदारी का तुम्हें घायल हूँ। अब क्या करो, अब करो लो 31 की पावर 40 और ये कर देगा आपको घुमाने के लिए 41 से डिवाइड और इसको करो 9 से डिवाइड, तो क्या समझदार हो या तुम लोग, क्या चेक करना है, इसका मतलब सर कुछ नहीं होता, 31 की पावर 40 और मल्टीप्लाइड बाय 41 है, आप गुमराह कर रहे हो वैसे ऐसे सवाल घुमा के। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना तुम लोगों को, सिखाया था नहीं, सिखाया था कि 2 की पावर 3 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 2 की पावर 3 जा 9 और अरे यार गलत एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 2 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 2 की पावर 6 और यही आपका 2 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब होता है हमारा 2 की पावर 8 क्योंकि 2 का क्यूब है, ये तो मैंने समझाया था। चलो तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 9 की साइक्लिसिटी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, आप लोग निकाल लेना, 9 × 1 − 1/3 होता है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है और ये आता है 6 और इसी 6 से मुझे क्या करना है 40 × 41 को 6 से डिवाइड करके देखना है, तो 6 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ बच गया मेरा -2 रिमाइंडर और यहाँ बच गया मेरा -3 रिमाइंडर, मतलब नहीं -1 बचा ना यार, तुम भी मतलब -1, तो ये बन गया मेरा 2 रिमाइंडर और ये 6 से डिवाइड होने वाला है, मतलब 2 रिमाइंडर मेरा यहाँ पे है। इसी 2 रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे सर, वो कहने की बात है 31 की पावर है आपकी 2 और इसको आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, है ना, 27 चला जाता है सर, 4 की पावर 2 है और 9 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब आपका 16 है, 9 से डिवाइड कर रहे हो सर, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 7 आ गया रिमाइंडर, हो गई कहानी खत्म, है ना, सारा खेल ही उखाड़ पुखाड़ दिया हमने। अब और क्वेश्चन तो खूब सारे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन क्या है 32 की पावर 32 इस पूरे होल की पावर है 32 और इसको आपने करना है 7 से डिवाइड, फटाफट करो, तो क्या है कुछ नहीं है भैया,
सर 32 लिखा आपने और वो ब्रैकेट में है, इसका मतलब 32 इंटू में 32 और ये आपका 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करना है, साइक्लिसिटी हो गई आपकी इसकी, साइक्लिसिटी हो गई इसकी आपकी 6। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं चेक करना, मुझे देखना है 32 इंटू में 32 अगर आपका 6 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे आ गया सर आपका +2, यहाँ पे आ गया आपका +2 मतलब 4 मेरा रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे 4 रिमाइंडर मेरा बच गया। तो चेक क्या करना है, कुछ नहीं चेक करना सर, 32 की पावर 4 कर दो और आपको 7 से करना है। 28 तो कट जाता, 4 बच जाता, 4 की पावर 4 कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, 4 की पावर 4 होता है दोस्तों आपका 4 4 64 करो, इसका मतलब सर क्या है, 16 इंटू में 16 की पावर 7, 7 कटा तो यहाँ पे आया +2, यहाँ पे आया +2, इसका मतलब सर 4 को 7 से डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर। अरे वाह, है ना। चलो एक और क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि अब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नंबर सिस्टम मजाक लग रहा है कि नहीं लग रहा। 15 की पावर 17 की पावर 18 और इसको डिवाइड कर रहे हो आप 7 से, इसका मतलब कुछ नहीं है सर, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। 17 को 18 है, साइक्लिसिटी इसकी 7 6 है, चेक कर लो, ये मतलब -1 क्यों, 18 कट जाता 17 से तो -1 बचेगा ना रिमाइंडर 17 का, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 6, इसका मतलब 1/6 है ना, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया मेरा 1। तो मुझे इसको चेक करने का मतलब यही है सर, 15 की पावर 1 को चेक कर लो 7 से और ये हुआ आपका 14 कट जाता है, बच गया 1 रिमाइंडर। वाह, मौज कर दी ठीक है। चलो अच्छा एक थ्योरम और बता देता हूँ, वैसे ज़रूरत है नहीं उसकी, रहने दो। चलो एक मैं चीज़ बताता हूँ आप लोगों को ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 4 की पावर x है और आपने अगर 6 डिवाइड किया है तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 4, हमेशा रिमाइंडर 4 होगा, जहां पे वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या अगर x है तो आपका हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूं, x की वैल्यू देखो 1 लिखता हूं, x अगर 1 है इसका मतलब 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो यहां तो रिमाइंडर 4 आपको दिख रहा है ठीक है। अगर x को आपने 2 रखा तो इसमें क्या मतलब, 4 की पावर 2, 6 से डिवाइड किया, ये हो गया 16/6, यहाँ रिमाइंडर फिर से +4 हो गया। अगर x को रखो 3 तो 4 की पावर क्यूब अपॉन में 6, ये हो जाता है आपका 64 डिवाइडेड बाय 6, ये फिर से आपका 60 कट गया, रिमाइंडर 4 हो गया। अगर x की पावर 4 रखो तो x को 4 रखो, 4 की पावर 4, 6 से डिवाइड किया, ये हो जाता है दोस्तों आपका 256 डिवाइड बाय 6, 252 कट गया, रिमाइंडर यहाँ पे +4 फिर से बच गया। देखा, तो हमेशा ही रिमाइंडर 4 रहेगा चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं 4 की किसी पावर को। कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य समझो, तात्पर्य ये है कि 4 की पावर कुछ भी है क्या मतलब है, ये मतलब है 4 की पावर 36 की पावर 38 की पावर 34 की पावर 35 की पावर फलना ढिमका ये 512 636 कुछ भी कर दो यार, इसको अगर 6 से डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर 4 होगा, कुछ भी लिख लो है ना। अच्छा इसी सिलसिले में एक और चीज़ कर लो, इसी सिलसिले में क्या है, 10 की पावर देखो तो अगर 6 से डिवाइड करो, 10 की पावर मान लो तुम रखते हो 10 है ना, 5 6 7 8 9 12 14 ढिमका फलना ढिमका जो रखना है रख लो। तो क्या है, पहले 10 को तुम इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा सर, 4 बचेगा, 4 की पावर हमें देखनी होगी 5 6 7 8 9 10 11 ढिमका फलना होगी 6 से, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ 4 से ही आ गया फिर से, तो रिमाइंडर मेरा 4 ही होगा, रिमाइंडर मेरा 4 ही होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन बना हुआ था
क्वेश्चन बड़ा आया था, लिख देता हूँ मैं आप लोगों, इसको कर लेना। करने से पहले देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतने सारे मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, करंट अफेयर्स बनाता हूँ, मैथ की क्लासेस लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर तो कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते क्या? 10^1 + 10^2 + 10^3 + 10^4 करते चलो करते चलो, मिल तो जितनी मुस्कान बनाओ, 10^50 और इस पूरे को डिवाइड करो आप 6 से। अगर इस पूरे को आपने 6 से डिवाइड किया तो एक बात समझ लो दोस्तों, क्या हमने अभी भी देखा, हमने अभी भी देखा सर कि 10^10 कुछ भी कर लो तो भी 4 बचता है, 4^4 कुछ भी कर लो तो 4 बचता है, इसका मतलब 10^1 है तो भी सर यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर फिर 4 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर फिर 4 बचेगा, ऐसे कितनी बार 4 बचेगा दोस्तों? 50 बार 4 बचेगा, ठीक है, ऐसा फिर 4 बचेगा और सब में प्लस है और इसको मल्टीप्लाई नहीं है याद रखना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करूँगा, 50 बार है तो 50 × 4/6, इसका मतलब सर 200 को 6 से डिवाइड करना है, अगर 200 को 600 से डिवाइड करोगे तो यहाँ दोस्तों रिमाइंडर आ गया आपका 2, तो यहाँ पे होती है आज की क्लास समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट फैबुलस एवी की तरफ से आप सभी को, बाय बाय, टेक केयर।